चलिए, ये एम होटल के हम बाहर खड़े हैं और ये आपको एम होटल नज़र आ रहा है और ये खड़ी है बस। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त टाइम हुआ है 11:12, यानी 12:30 नमाज है। तो ये बस 1 घंटा पहले कह रहे थे नमाज से चलती है, 11:30 ये बस यहाँ से चलेगी। तो तकरीबन 7-8 मिनट लेती है ये बस यहाँ से मस्जिद तक, अगर रश नॉर्मल सा हो। ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगी। वहाँ से फिर ये जहाँ पे उतारेगी वहाँ से हरम तक कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। निकल रही है इस वक्त, टाइम हुआ है 2 मिनट वेट कर रहे हैं, 11:29। तो बस आपको दिखाते हैं कि क्या रूट है। ये इब्राहिम खलील रोड है अभी, ये जिस पे अभी चढ़ने लगी, ये इब्राहिम खलील लिखा नज़र भी आ रहा है। अब ये रोड सीधा हरम जाती है, लेकिन ये इसने क्योंकि क्लॉक टावर के बैक साइड पे जाना है तो ये यहाँ से राइट ले लेगी अभी इशारे से। ये देखें, सुबह हम यहाँ से पैदल आए हरम से, तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं। इसी रोड पे आगे वो को होटल भी है, लेकिन ये इस के साथ इस तरफ आ गई। क्लॉक टावर है, उसकी बैक पे जाएगी अभी घूम ले, आपको नज़र आ रहा है। ये मुख्तलिफ होटल्स आ रहे हैं, आप देखते रहें यहाँ पे जितने भी तकरीबन होटल होंगे, क्योंकि ये थोड़ा दूर है तो ये ज़्यादातर शटल सर्विस पे ही होंगे। ये देखें, बाकी भी पीछे पहाड़ ख़त्म करते जा रहे हैं, हर जगह होटल बना रहे हैं हम। और ये अभी जो मैंने कल देखा कि बारिश भी हुई थी परसों रात, लेकिन बारिश शायद ज़्यादा हुई है। घास घास है दरख्तों के ऊपर, बिल्कुल बैरन किस्म के पहाड़ नहीं है। आपको सब्ज़ पहाड़ नज़र आएंगे, पिछली कुछ वीडियो में यहाँ पे लगा भी दूंगा, देखेंगे कि आते हुए जद्दा से आते हुए हमें काफ़ी सब्ज़ पहाड़ नज़र आए। ये कोई इशारा आ गया अभी, और अब हम यहाँ पे तो गूगल मैप के मुताबिक ये जो हमारे अभी लेफ्ट पे जाना है, ये अज्जियाद स्ट्रीट है, अज्जियाद रोड है। क्लॉक टावर नज़र आ रहे हैं, ये भी किस रोड से जाएगा। साइड पे वो मक्का टावर नज़र आ रहा है। क्रेन्स होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे, जितने भी होटल बन जाए कम ही पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। अब तो खैर इन्होंने उम्रे भी खोल दिए हैं, हाजियों की तादाद भी बढ़ा दी है, कुछ
होटल ऐसे होते हैं जो कि उमरे में किसी सीज़न में शायद हज के अलावा बंद भी होते होंगे, वो अजीज़िया साइड में ज़्यादा, यहाँ तो आई थिंक उमरा सीज़न में भी सब होटल खुले रहते हैं। पिछले दिनों कुछ बता रहे थे कि लाइसेंस जिनके पास नहीं था उन होटल को बंद किया है इन्होंने, कुछ ऐसे नज़र आए भी रास्ते में हमें। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है ज़ायरीन की। हमें कुछ चौक आ गया, छोटा सा इशारा तो नहीं लग रही, ये काफ़ी घूम के जाती है, मतलब पैदल रास्ता अगर आप देखें तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ये 1.5 से 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर है शायद, लेकिन जो गाड़ी का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिसेप्शन से मैंने पूछा था, बता रहे थे 1 घंटे बाद बस चलती है, हर घंटे बाद, और एक जो बस होती है वो नमाज के समाज से 1 घंटे पहले भी चलती है, तो अभी क्योंकि 12:30 नमाज है तो 11:30 ये बस चली है, और नॉर्मल रूटीन में हर घंटे में एक बस चलती है। तो अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इनकी टोटल बसें कितनी हैं, मैं भी 2 ही हूँ, क्योंकि इतना दूर है नहीं, एक उस तरफ जाती होगी थोड़ी देर बाद ये जाएगी तो वो आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा बसें नहीं हैं। याद रोड पे ये चल रहा है, एक क्लॉक टावर हमारे करीब आता जा रहा है। करीब रहा है, अभी है नहीं करीब, अभी भी काफ़ी जगह है इसकी तरफ जाने के लिए। एक टनल आ गई, एक मस्जिद बनी हुई है, ये आज ही वापस जा रहे हैं उमरा करके माशाल्लाह। ये फिर कुछ सिग्नल आ गया, अभी थोड़ा दिन के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई थिंक अभी इतना टाइम भी नहीं, 6 मिनट हुए, 11:36 हो गए। एक और टनल, सुहर की नमाज का टाइम हो रहा है, तो लोग हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा। आगे जाके ये लेफ़्ट लेगी, अब यहाँ पे सारी बसों की पार्किंग यहीं पे अभी ये बना रहे हैं जो मुझे पता लगा है, उसके बाद तो ये खुल जाएगी, लेकिन अभी तो पार्किंग छोटी है और बसें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है। कल शाम को, रात को जब मैं आया शाह के बाद, शाम को ही आया था, तो उस वक्त ये फील हुआ कि हमें अपनी बस ढूँढने में भी थोड़ा मसला हुआ, बसों के अंदर देखते रहो कि कहाँ पर आपकी बस है, प्रॉपर कोई बोर्ड लगे हों बड़े, बंदा आसानी से अपनी बस तक पहुंच सके, वो उस तरह नहीं था। तो ये पार्किंग है, मैं आपको पार्किंग बाहर से दिखा देता हूँ, फिर तो फिर यहाँ से आपको आगे हरम तक का रास्ता दिखाते हैं। ये होटल यहाँ पर स्टेशन की ऊपर मैंशन है, ये रिया बख्श स्टेशन शायद प्रोनाउंस करते हैं, मोहता रिया बख्श स्टेशन का लिस्ट हुआ। अच्छा, ये होटल थी हमारी बस थी, ये आप देख रहे हैं एम होटल, ये बस लगी है यहाँ पर, और भी कंपनियों की इसी तरह बसें लगी होती हैं। ये आपको ये आई थिंक उन्होंने कुछ डिवाइड किया हुआ है, कुछ इस तरफ कुछ होटलों की बसें, कुछ की उधर, तो ये मक्का टावर के हमें पीछे उतारती है, ये देखिए ये मक्का टावर है, इधर इसने हमें उतारा है, तो वापसी में भी, और फिर यहाँ पे ये जंगला लगा हुआ है, यहाँ से आप
ये देख लें लोग आ रहे हैं यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे 8 नंबर से अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ से कितना टाइम लगता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये 11:40 हुए हैं, तो वहाँ से मैंने को दिखाया था 11:29 पे चली थी, तो तकरीबन 8 से 9 मिनट में ये बस यहाँ पहुँची है। थोड़ा सा रश था, 2 इशारों पे भी रुकी है, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना टाइम लेती। बहुत ब्रिस्क वॉक, नॉर्मल वॉक से कितना टाइम लेती, बहुत थोड़ा तेज़ करें तो आप इस टाइम को मज़ीद कम कर सकते हैं। जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे कबूतर, लोगों के यहाँ पे लोग दाना वगैरह डालते हैं सवाब की नीयत से, केदर के कबूतरों को खाना खिलाया, तो यहाँ पे ये कबूतर लोगों से फिर हो कोई भागते भी नहीं, और इनके दाने बेचने के लिए आपको यहीं पे लोग नज़र आएंगे। हम सरयाल में वो अपने पैकेट से बेच रहे होते हैं। लोग पानी देते हैं यहाँ पे अक्सर, यहाँ पे अभी ये तो एक साइकिल पे खड़ा था, लेकिन आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ट्रकों पे लोग ट्रक बोतलों के दे रहे थे ठंडा पानी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये आगे एक और कंपनी का बोतल वाला बैठा हुआ है, आते जाते प्यास लगे, आप ज़रूर पानी, यहाँ पे पानी पीते भी हैं, और फिर कुछ बोतल चाहिए होती है आगे जाके जमजम भर के फिर घर ले जाएंगे अपने होटल्स वगैरह में वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। अभी सामने जो गेट इस रोड से आता है वो है अज्जियात गेट, हम अज्जियात स्ट्रीट से आ रहे थे पीछे, तो आजकल हरम में जो बग़ैर अहराम के लोग हैं उनको ज़्यादा इधर ही एंट्री अलाउ है, मर्द हज़रात तो जा ही नहीं सकते बाबे फाद और उनसे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उम्रे वाले जाते हैं, ख़वातीन जा सकती हैं, मर्द सिर्फ अहराम में होगा तो वो जा सकते हैं। हम अभी यहाँ से सीधा अज्जियात गेट से ही जाएंगे ऊपर, और वहाँ पे इंशाल्लाह ज़ोर की नमाज़ अदा करते हैं। मैं बिल्कुल मक्का टावर के साथ साथ हम खड़े हैं, सामने मीनारों की तामीर पे काम हो रहा है। WC वुमेन के लिए जो टॉयलेट्स हैं, वजू वगैरह की सहूलत भी ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इतना लोग हैं, बंदा कहता है कि शायद वाशरूम के बहुत इशू हो, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में और इतने साफ़ सुथरे वाशरूम हैं, मतलब बंदा कहता है होटल में नहीं इधर ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन टॉयलेट्स भी बड़े आराम से मिल जाते हैं। होटल में ये मसला अमूमन होता है कि वहाँ पर इंग्लिश टॉयलेट्स होंगे, तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में इंडियन टॉयलेट्स हैं और इंग्लिश भी हैं, पानी का बड़ा अच्छा निज़ाम है, सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम है। अभी ऊपर गेट की तरफ चलते हैं, मज़ीद आपको लगता है। अच्छा, ये सामने जो है बाबे फाद गेट है, और वो लेफ़्ट साइड पे बाबे अब्दुल अजीज़, और ये दाएं साइड पे आपको अज्जियात का गेट है जो ऊपर जा रहा है। नीचे इन इस खुद महल में बिल्कुल बंद किया हुआ, नीचे से वो जा रहे हैं लोग अहराम पहन के, और बाएं साइड पे उन गेटों से अहराम वाले लोग जा रहे हैं। यहाँ पर आप अहराम के अलावा नहीं जा सकते, ये आपको नीचे मतलब जो मताफ में यहाँ से जाने की रीच है, और क्योंकि बाकी लोग नहीं जा सकते इसलिए अभी भी मताफ में इतने लोगों के बावजूद भी आपको तवाफ करने की एक अच्छी सहूलत है। और बाकी अज्जियात गेट है जिस पे आप जा सकते हैं, आम जो भी बाकी नमाजी तवाफ भी करना है तो ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा चक्कर बड़ा है, तकरीबन अगर आप चलें तो 1 घंटा तो एटलीस्ट लग जाएगा आपको तवाफ करने में। ये वो स्टॉप है मक्का टावर के पीछे जहाँ बसें खड़ी होती हैं। पहले दिन हम आए तो थोड़ा सा हमें मुश्किल हुई है, बहुत बस नहीं आई हुई थी, और बस ढूंढना मुश्किल हो जाता है, कोई पता नहीं कहाँ खड़ी है, कोई इधर जगह तो है नहीं, पर आज भी खड़ी है। ये होटल की बस है, जैसे हम आए हैं तो मिल गई है। आखिरी दिन है, बल्कि सुबह है, ये सुबह की नमाज़ का आया है, तो इसके बाद हमें मदीना चले जाना है। आज इन्होंने अड्डा चेंज कर दिया है, पहले ये
डिफरेंट सा नाम था, रित बख्श और समथिंग, वहाँ पे आते थे। अभी सारी बसें यहाँ पे आई हैं इस टनल को क्रॉस करके और इस छतरी के पास, तो ये रास्ता देख लेते हैं। चलो वापसी बस हमने अब एक दफ़ा ही और आना है, आप देख लें कि वोको भी इधर ही आ रही है और ये वाली जो हमारी है मिलेनियम वाली, ये भी एमपीएम है, सब यहाँ पे आ रही है। ड्राइवर से पूछा है, वो तो ये कह रहा था कि ओल्ड वाला फिनिश। ये मक्का टावर और ये अड्डा है और ये हमारी बस खड़ी है एम होटल की। आखिरी सुबह है, हम वापस जा रहे हैं, चलते हैं अंदर।